एक कोटेशन है, एंगर इज जस्ट वन लेटर शॉर्ट ऑफ डेंजर. ट्रूथ, डेंजर एंड एंगर. सो बस डी का डिफरेंस है, ठीक है. वो जो डी है वो हम सब की लाइफ में डिवेस्टेशन क्रिएट कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ एंगर. टाइम टू टाइम हम सभी लोग अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं अलग अलग सिचुएशंस, अलग अलग सर्कमस्टांसेस, और उन सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस से वी फिल अप विद एंगर. तो अभी हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले रूट कॉज ऑफ एंगर, कहाँ से ये एंगर आता है. दूसरा हम डिस्कस करेंगे देन इसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं. तो लेट अस टेक एन एग्जांपल. आप एक पॉन्ड के किनारे पर बैठे हैं. जब आप पॉन्ड के किनारे पर बैठे हैं वहाँ पे बिल्कुल कामनेस है, नो नॉइस, नथिंग. और वो जो पॉन्ड में वाटर है वो भी बिल्कुल स्टिल मोड में है, स्टिल मोड, नो डिस्टर्बेंस. उस पॉन्ड में जो मछलियाँ भी हैं आप उन मछलियों को भी बहुत ढंग से देख सकते हैं. इट्स वेरी इजी टू सी इवन द फिशेज इनसाइड द वाटर. वहाँ पे कोई आया, उसने उस पॉन्ड में एक पत्थर डाल दिया. वो जैसे ही उसने पत्थर डाला तो एकदम से वहाँ पे रिपल्स बन गए. और जब वो रिपल्स बने तो उससे आप देख नहीं पा रहे उन फिशेज को, क्योंकि वो पानी का इफेक्ट सारे रिपल्स ने वो ख़त्म कर दिया. जो विजिबिलिटी थी, विजिबिलिटी ख़त्म हो गई. तो ऐसी हमारी जो लाइफ होती है, हमारी लाइफ एक नॉर्मल, यू नो, ईजी गोइंग, कोजी, गुड, हैप्पी चलती है एट टाइम्स. बट कभी कभी हमारी लाइफ में रिपल्स की तरह सर्कमस्टांसेस आते हैं. और जब वो सर्कमस्टांसेस आते हैं तो जैसे हम पॉन्ड में फिश को नहीं देख पाते, उस प्रकार से हम अपनी लाइफ में जब सिचुएशंस होती हैं या रियलिटी जो होती है, हम उस रियलिटी को एज इट इज़ नहीं देख पाते हैं. और हम कुछ ऐसा कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, और फिर हम बाद में उस चीज़ के लिए पछताते हैं. एंड इनफैक्ट ऐसा भी हुआ है कि लोग गुस्से में किसी की जान भी ले लेते हैं, किसी को मार भी देते हैं, ऐसा भी हो जाता है कई बार. एंड बाद में वो सोचते हैं, बाद में वो रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने ये कर क्या दिया. तो रूट कॉज कहाँ से आता है वो अभी हम डिस्कस करेंगे. उससे पहले ये जो एंगर है, एंगर हमारी भगवद गीता में तीन चीज़ें बताई हैं. थ्री डोर्स टू हेल, देयर आर थ्री डोर्स टू हेल. फर्स्ट इज ग्रीड. ग्रीड मीन्स लालच, अननेसेसरली मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए. आई एम जस्ट रनिंग थ्रू आउट द डे इन माई लाइफ टू पोजेस डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अराउंड मी. उसके लिए मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ, सुबह से शाम तक चीज़ों के पीछे भागने में लगा हूँ. तो बहुत ज़्यादा अगर हमारे अंदर ग्रीड होगी तो दैट विल फाइनली मेक आवर करंट लाइफ हेल, व्हाट टू स्पीक ऑफ द लाइफ आफ्टर डेथ. लोग कहते हैं ना कि हेल किसने देखा है, हेल तो जब मरेंगे तब कुछ होगा तो होगा, नहीं तो हेल डज नॉट एग्जिस्ट टूडे. बट रियलिटी इज कि अगर आपके अंदर ग्रीड भरी होगी तो वो हेल आपकी लाइफ को अभी हेल बना देगा. वो ग्रीडीनेस आपकी लाइफ को अभी हेल बना देगी. यू डोंट हैव टू वेट फॉर डाई. लाइकवाइज वी हैव एंगर. सो इट्स GAL. आपने सुना होगा गैल्पेल, सुना ये वर्ड? फ्रेंड्स के लिए यूज होता है गैल्पेल. गाय एंड गैल, गैल इज फॉर गर्ल, राइट? गर्लफ्रेंड आई थिंक गैल्पेल कुछ ऐसा ही होता है, आई रिमेम्बर. मैंने बचपन में सुना था 15 साल पहले. सो GAL, ए इज ए इन बिटवीन एज एंगर, जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे. एंड थर्ड इज ऑब्वियसली द लस्ट. लस्ट इज अगेन यू कैन से डिजायर्स. हमारे अंदर डिजायर्स होती हैं, यू वॉन्ट टू इंजॉय. वी ओनली थिंक अबाउट आवर सेल्फ. मोस्टली हमारी लाइफ में जो डिजायर्स होती हैं वो किस डायरेक्शन में ओरिएंटेड होती हैं? What in it for me? ये चीज मुझे कैसे बेनिफिट दे सकती है? सो आई एम द सेंटर ऑफ दिस वर्ल्ड. इफ इट इज सेटिस्फाइंग मी देन ठीक है, इफ इट इज नॉट सेटिस्फाइंग मी टू हेल्प विद इट. मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है. वी आर कमिंग बैक. रूट कॉज क्या है? सी, हमारी लाइफ में ना डिजायर्स होती हैं, अलग अलग डिजायर्स होती हैं. कुछ डिजायर्स होती हैं वो हमारी फुलफिल हो जाती हैं,
अभी हम सर्कमस्टांसेस की बात कर रहे थे, कुछ डिजायर्स ऐसी होती हैं जो हमारी लाइफ में फुलफिल नहीं होती। आई वॉन्ट टू अचीव दिस वन, वो मैंने अचीव भी कर लिया, और अचीव करने के बाद जो मैं उससे एक्सपेक्ट कर रहा था वो चीज मुझे नहीं मिली। दिस इज वन पॉसिबिलिटी। सेकेंड पॉसिबिलिटी इज कि जो मैं अचीव करना चाहता था वो लाइफ में मुझे मिला ही नहीं। दैट विल लीड टू फ्रस्ट्रेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट। फिर उससे क्या होता है, हम अंदर अंदर कहते हैं फूकते रहते हैं, कूदते रहते हैं, टिपिकल वर्ड। दिस इज सेकेंड प्रॉब्लम। द थर्ड प्रॉब्लम इज कि हमें किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन है। इट कुड बी विद इन द डोमेन ऑफ रिलेशनशिप, या कोई हमारी बात को नहीं मान रहा। तो अगर कोई हमारी बात को नहीं मानेगा तो एकदम से हमारे अंदर क्या होगा, विल फिल अप विद एंगर, एंड हम कुछ भी कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में। जब हम एंगर में होते हैं तो हम हमारे सिचुएशन जो होती है वो हमारे बिल्कुल कंट्रोल से बाहर चली जाती है। एंड कई बार हमारी जो इनफैक्ट जो हमारी मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न साइंस में डॉक्टर्स ने ये जो एंगर के जो अलग अलग इश्यूज हैं उनको अलग अलग तरीके से साइकेट्रिक टर्मिनोलॉजी में अलग अलग टर्म्स के रूप में डिफाइन किया हुआ है। सो वन ऑफ द टर्म इज OCD, सुना है आपने, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। देन सेकेंड इज बायपोलर, वो कैसे काम कर रही है, किस प्रकार से उस केमिकल्स, अल्टीमेटली हम बोलते हैं ना हमारा माइंड इज लाइक केमिकल लोचा। जब आपको कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो गई तो आपके माइंड में कुछ केमिकल लोचा हो गया, तो जब केमिकल लोचा हुआ इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गई। वो जो प्रॉब्लम आपके माइंड में हुई उसकी वजह से आपको कोई भी XYZ डिजीज का नाम दे दिया जाएगा, एंड देन फाइनली आप किसी के ऊपर गुस्सा कर सकते हो। कुछ अनवॉरंटेड सिचुएशन होंगी या चीज़ें अगर लाइफ में आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगी तो वो इफेक्ट बन जाएगा, रिपलिंग इफेक्ट। वो पैबल जो मैंने बताया था एग्जाम्पल, वो आपकी लाइफ में आ गया, सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो गए, एंड देन यू स्टार्टेड बर्स्टिंग आउट। समटाइम्स यू मे नॉट बर्स्ट आउट एक्सटर्नली, आप इंटरनली ही अपने आप को फुकाते रहते हो, कूदते रहते हो। सो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। और इसका ओरिजिन कहाँ से था, हमारी डिजायर से। आप कहेंगे ठीक है फाइन, ये सब तो थ्योरिटिकल पार्ट हो गया, हमें पता है कि ये प्रॉब्लम है, हम सब कहीं ना कहीं डील करते हैं इसके साथ। और बिलीव मी, जितनी भी रिलेशनशिप्स होती हैं, अगर आप अपने एंगर को सही ढंग से मैनेज कर लें लाइफ में, आप रिलेशनशिप्स को भी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो एंगर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड समटाइम हमारे जो एंगर है ये पॉजिटिव रोल भी प्ले करता है। अब आप कहेंगे पॉजिटिव रोल कैसे प्ले करता है, आपने मिलिट्री मैन को देखा है, जब मिलिट्री मैन शूट आउट करते हैं, एक्चुअली वो जब चलाते हैं स्टेन गन और वट एवर, सो दे हैव टू शो देयर टू मच ऑफ एंगर, दे आर काइंड ऑफ फील्ड विद दैट, उनको इस तरीके से ट्रेंड किया जाता है, देन ओनली दे कैन डू दिस एक्टिविटी, अदरवाइज दे कैन नॉट डू इट एट टाइम्स। तो वो गुस्से से वो एक्शन करते हैं जो उस समय जरूरी होता है। तो कई बार हम अपने एंगर को भी पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं, ऑल्दो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड रेयर, बट एट टाइम्स इट इज रिक्वायर्ड। फॉर एग्जाम्पल हम अगर बात करें लॉर्ड हनुमान जी की, तो लॉर्ड हनुमान ने क्या किया, लंका जला दी, है ना। वो लंका जलाने के लिए उनको एंगर चाहिए था, नहीं तो वो लंका नहीं जला पाते, पॉसिबल नहीं था। सो ही डिड दिस बिग एक्ट आउट ऑफ हिज एंगर। तो उन्होंने उस एंगर को भगवान की सेवा में यूज कर लिया। कई बार ऐसा हो सकता है सोसाइटी में बहुत से लोग भगवान के अगेंस्ट कुछ बोल रहे हैं, तो एज डिवोटीज एट टाइम्स वी मे हैव टू शो आवर एंगर टू देम बिकॉज दे आर डूइंग रॉन्ग। कई बार पेरेंट्स को अपने बच्चों को काबू में लेकर आने के लिए अपने गुस्से को दिखाना होता है। सो एट टाइम्स एंगर इज राइट बिकॉज इट इज अ नीड ऑफ आवर, बट एट आवर लेवल, एट आवर लेवल मीन्स आप सब जैसे अभी इस टॉडलर टीनेजर एज में, इस एज में आपको एंगर नो मीन्स स्ट्रिक्ट नो। अब आप कहेंगे ओके कैसे करें भाई, आपने बोल दिया नो मीन्स स्ट्रिक्ट नो, हाउ डू वी डील विद इट बिकॉज वी ऑल्सो गेट इन टू दीज सर्कमस्टांसेस। हम एंग्री क्यों होते हैं, हमें लगता है कि जो हम सोचते हैं वो ठीक है, माइट इज राइट, वॉट आई थिंक इज द बेस्ट, एंड दैट इज वाई आई बिकम एंग्री ऑन पीपल बिकॉज दे डोंट लिसन टू मी,
तो यू हैव टू अप्रिशिएट द वेरी फैक्ट कि सामने वाले की ओपिनियन भी मैटर कर सकती है, रेलेवेंट हो सकती है। ठीक है, आपके पास नॉलेज है, सामने वाले के पास भी तो नॉलेज है। सो दिस इज वन फैक्टर दैट यू ऑलवेज हैव टू कीप इन माइंड। सेकेंड फैक्टर इज दैट हम भी गलत हो सकते हैं। हमें लगता है कि सामने वाला हमेशा गलत है, कभी कभी हम भी गलत हो सकते हैं। थर्ड फैक्टर टू मैनेज योर एंगर इज कि आपको अपनी जो ईगो का फैक्टर है उस ईगो को ड्रिल डाउन करना होगा, जिसको हम सरल शब्दों में बोलते हैं स्टे हम्बल इन लाइफ। अब ये हम्बल शब्द बहुत इजीली यूज कर लेते हैं हम लोग, बट हाँ, इस हम्बल शब्द की अगर हम डेप्थ में जाएं तो इट कैरीज ए लॉट ऑफ वेट इनसाइड इट। और इसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में लीड करना और इसके साथ जीना इतना आसान नहीं होता। तो उसके लिए हमें करना क्या होता है, उसके लिए हमें सोर्स से कनेक्ट होना होता है। अभी हमें चाहिए इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाट वी थिंक, बट ग्रेजुअली हमें इस कॉन्सेप्ट को अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करना है कि यस, व्हाट वी थिंक मे नॉट बी नेसेसरली रेलेवेंट और राइट। वी हैव टू एड ऑन द एलिमेंट ऑफ व्हाट आवर पेरेंट्स थिंक व्हाट इज राइट फॉर अस एंड व्हाट गॉड सेज इज राइट फॉर अस। ये दो चीजें हैं, क्योंकि अभी आप छोटी एज में है ना, अभी आप डिसाइड नहीं कर सकते क्या सही है क्या गलत है। तो इसलिए गॉड की नॉलेज का बहुत बड़ा रोल होता है। और आज के सोशल सिस्टम से एक तो गॉड की नॉलेज इट्स श्रिंकिंग डाउन, इट्स गेटिंग आउट फ्रॉम आवर सोशल सिस्टम। द मोर यू फॉलो द नॉलेज ऑफ गॉड द मोर यू लर्न टू बिकम हम्बल इन योर लाइफ। द लेस यू फॉलो द नॉलेज ऑफ गॉड द लेस यू बिकम हम्बल एंड द मोर यू बिकम angry in different situations of your life. Is this clear? So this is one, like within this one segment, isko aap agar ek broad heading de, so what is the broad heading? Stay humble. So when we live humble, we respect others' words also, and we also understand that ki hum bhi galat ho sakte hain. Or third is that we give the like we give this weightage to the element of God. And as soon as we start surrendering to God, हम भगवान को जब surrender करना शुरू करते हैं ना life में, तो naturally हमारे अंदर humbleness आती है, क्योंकि हम किसी higher authority को follow करना शुरू कर देते हैं। Social system में concept exist नहीं करता है ना। जैसे जैसे आप बड़े होंगे आप उतने ज़्यादा independent होते चले जाएंगे, और जितने आप independent zone में जाएंगे उतना आप क्या सोचेंगे, आई एम फ्री टू डिसाइड वट आई थिंक इज राइट। और जितना आप उस डायरेक्शन में सोचेंगे उतना अगर कोई आपकी एक्सपेक्टेशंस को मीट आउट नहीं करेगा, आपके थॉट्स से अलाइन नहीं होगा, आपकी बात नहीं सुनेगा, उतने आप एंग्री होंगे, क्योंकि आपके पास वो जो टॉलरेंस का जो फैक्टर है वो अपने आप ख़त्म हो गया। वो उस एंगर को कंट्रोल करने के लिए, उस एंगर को मैनेज करने के लिए टॉलरेंस का बहुत बड़ा रोल है हम सब की लाइफ में। इज इट क्लियर? आवाज नहीं आई? यस बेटर। सो दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकंड प्रिंसिपल जो हम यू नो ट्रेडिशनल काइंड ऑफ पार्ट ऑफ योगा प्रैक्टिस इज कि ब्रीथ आउट, पहले ब्रीद इन, लंबी सांस लो और फिर ब्रीद आउट करो, ये अपने आप काम डाउन करेगा आपके माइंड को। बहुत प्रैक्टिकल टिप है ये, इसको आप फॉलो करेंगे कभी भी आपकी लाइफ में अगर सिचुएशन क्रिएट हो गई, सर्कमस्टेंस क्रिएट हो गए जहाँ पे आपको गुस्सा आ रहा है, तो फिर यू विल फील द डिफरेंस। दिस इज अ सेकेंड सीक्रेट। थर्ड पॉइंट लाइक वी से दैट या ओके आ गया माइंड में। थर्ड पॉइंट इज कि जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई जहाँ पे गुस्सा है बहुत ज़्यादा, या आपको गुस्सा आ सकता है, आप इमिडिएटली अपने आप को उस सिचुएशन से विदड्रॉ कर लो। ट्राई टू आइसोलेट योरसेल्फ फ्रॉम दैट सिचुएशन।
कोशिश करो कि उस अनवॉरंटेड सिचुएशन में अपने आप को ना डालो। बट आप कहेंगे फिर भी ऐसी सिचुएशन आएगी कभी कभी, यू कैन नॉट हेल्प, ऐसी सिचुएशन आएगी, वो आ गई एकदम से, अनवॉरंटेड सिचुएशन है, आ गई, इट वॉज नॉट प्लान्ड बट इट केम ऑल ऑफ सडन, तो हाउ डू यू डील विद इट? उसको डील करने का सिंपल तरीका ये है कि कभी भी ऐसी सिचुएशन में हो तो आप रिएक्ट मत करो, आप अपने आप को रिएक्ट करने से रोकने की कोशिश करो, क्योंकि जब भी आप रिएक्ट करने की कोशिश करोगे वो रिएक्शन जो है आपका वो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो ट्राई टू अवॉइड रिएक्टिंग टू दैट सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, आपके फ्रेंड्स कुछ ऐसे भी हैं जो हमेशा केवल नेगेटिव बोलते हैं, लेट्स से आपके बारे में नेगेटिव बोलते रहते हैं, हो सकते हैं उनकी हैबिट है वो नेगेटिव ही बोलेंगे सुबह से शाम तक, वो चार लोगों के बीच में नेगेटिव बोलेंगे, आपके सामने भी नेगेटिव बोलेंगे, ट्राई टू अवॉइड दैट कंपनी, सिंपल रूल। और अगर अवॉइड नहीं कर सकते, ऐसी सिचुएशन है कि आप अवॉइड नहीं कर सकते, क्या करोगे फिर आप? एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, संसार में तो लोग आपके लिए बोलेंगे ही बोलेंगे, वो इनफैक्ट मुझे तो अच्छा लगता है जब मेरे लिए कोई गलत बोलता है, दैट्स हाउ आई लर्न इन लाइफ, मुझे लगता है इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू ग्रो, क्योंकि कोई अगर हमारी ईगो पे वार करता है ना तो बड़ा गुस्सा आता है, और हमें अपनी जो फॉल्स ईगो है ना, जब कोई इनफैक्ट हमारी फॉल्स ईगो, दो ईगो होती हैं, अब आप कहेंगे एक फॉल्स ईगो है एक ट्रू ईगो, ये मैं सेपरेटली आई डिस्कस अबाउट इट समटाइम लेटर। यस, सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस, ईगो पे जब वॉर होता है तो हमें एकदम से गुस्सा आता है, एंड अल्टीमेटली वी हैव टू एस्टैब्लिश आवर रिलेशनशिप विद गॉड। जब हम भगवान के साथ अपनी रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करते हैं तो हमारे लिए जो ईगो फैक्टर होता है वो इनमेटीरियल हो जाता है, इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। अब आप कहेंगे ये होगा कैसे? ये थर्ड पॉइंट था ना हमारा, इसको अचीव करने के लिए क्या करना होगा? इसको अचीव करने के लिए फोर्थ पॉइंट है, चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स ऑफ गॉड। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ चैंटिंग? चैंटिंग में अभी हमने दिस मंत्र चैंट किया है ना, जब हम मंत्र चैंट करते हैं पहला रूल आप हमेशा ध्यान रखिए, मंत्र चैंट का कोई एज से कुछ लेना देना नहीं है। चैंटिंग से हम क्या, व्हाट डू वी रियली अटेन बाय द प्रोसेस ऑफ चैंटिंग? आप कहेंगे यू आर टॉकिंग अबाउट चैंटिंग, व्हाट आर वी गोइंग टू गेन फ्रॉम चैंटिंग? सो वन ऑफ द मेन पॉइंट इज काम रहता है, माइंड पीसफुल रहता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप सोचेंगे तो वो आप, देन यू अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ चैंटिंग। सी, चैंटिंग इज नॉट जस्ट सम मैकेनिकल एक्सरसाइज, ऐसा नहीं कि वी आर जस्ट चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे, इट्स नॉट दैट वी आर जस्ट शाउटिंग आउट लाउड एंड वी आर जस्ट रिपीटिंग सम वर्ड्स टुगेदर, इट्स नॉट दैट प्रोसेस, यू नो, इट इज अ डिफरेंट प्रोसेस ऑल टुगेदर। सो जब हम चैंटिंग करते हैं तो चैंटिंग में देखिए हमारा जो एंगेजमेंट है तो दो लेवल पे होता है, एक हमारा होता है माइंड के लेवल पे, एक हमारा एंगेजमेंट होता है इंटेलिजेंस के लेवल पे। इनिशियली वी आर टॉकिंग लॉजिक, ठीक है, माइंड पीसफुल होता है, माइंड काम होता है, ये सब हो रहा है, बट वी हैव टू हैव द लॉजिक बिकॉज दिस इज द एज ऑफ लॉजिक। अगर कल को आप किसी को एक्सप्लेन करोगे कि भाई चैंटिंग करनी है आपको, वो कहेंगे क्यों करनी है भाई चैंटिंग, क्या होगा चैंटिंग करने से, व्हाट्स गोना हैपन विद चैंटिंग? सो द आंसर इज वेरी सिंपल, जब हम चैंटिंग करते हैं उस चैंटिंग के प्रोसेस में, वी आर चैंटिंग दिस हरे कृष्ण मंत्र, तो हम बेसिकली भगवान के अटेंशन को अपनी ओर खींच रहे हैं, दिस इज वन प्रिंसिपल। और जब हम अपनी मतलब भगवान की अटेंशन को अपनी ओर खींचते हैं तो फिर धीरे धीरे हमारा जो माइंड है, एक हमारा माइंड और दूसरी हमारी इंटेलिजेंस, हमारा माइंड और हमारी इंटेलिजेंस, वो दोनों धीरे धीरे अपने आप ऑटोमेटिकली क्या होती है, चैनलाइज होने लगती है, समझ रहे हैं? क्योंकि फिर उसका कंट्रोल केवल हमारे हाथ में नहीं है, फिर उस चीज का कंट्रोल किसके पास चला गया? यस, भगवान के पास उसका कंट्रोल चला गया।
तो एट टाइम्स कुछ चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, बट वो अब सही व्यक्ति के कंट्रोल में चली गई। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने पेरेंट्स के साथ गाड़ी में जा रहे हैं। जब आप गाड़ी में जा रहे हैं, आपके फादर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आपकी मदर गाड़ी ड्राइव कर रही हैं, तो उस समय क्या आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत है? नो नीड टू वरी। वाई? बिकॉज यू नो कि योर फादर इज गुड ड्राइवर एंड कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। आई डोंट हैव टू बी बॉदर्ड अबाउट। इसी तरीके से जब हम चैंटिंग करते हैं, चैंटिंग के प्रोसेस के थ्रू हम अपने माइंड का कंट्रोल, हम अपने इंटेलिजेंस का कंट्रोल, ये दोनों कंट्रोल हम किसको दे देते हैं? भगवान को दे देते हैं। और जब इन दोनों चीज़ों का कंट्रोल भगवान की ओर चला जाता है, तो फिर देन कृष्णा नोज हाउ टू कंट्रोल एवरीथिंग। दिस वन ऑफ द लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। दिस इज हाउ आवर माइंड गेट्स कंट्रोल एंड देन एवरीथिंग गेट्स चैनलाइज्ड इनटू अ राइट डायरेक्शन। सो वी डिस्कस्ड हाउ टू कंट्रोल एंगर। हमने इसमें आई थिंक 4-5 पॉइंट्स डिस्कस किए मेनली। सबसे पहला पॉइंट क्या था? कंट्रोल, अगर आपको अपनी लाइफ में एंगर को कंट्रोल करना है तो पहला पॉइंट क्या होगा? नोटबुक को देख रहे हो यार, ऐसे थोड़ा ना होता है, अभी तो बताया है। नोटबुक तो जब दो दिन बाद देखना होगा तब रेफर करना। पहला पॉइंट क्या था? हाँ, उसके लिए मैंने एक हेडिंग दी थी, स्टे हम्बल। सेकेंड पॉइंट, वो तो हेडिंग बताइए, हेडिंग। सेकेंड पॉइंट क्या था? ओके, हाँ ये सब हो गए, फाइन। हाँ, डोंट रिएक्ट, बेसिकली मैंने एक हेड बना दिया। ऐसे तो सारे काइंड ऑफ जुड़े हुए पॉइंट्स हैं, बट डोंट रिएक्ट टू द सिचुएशंस, आइसोलेट योरसेल्फ। थर्ड पॉइंट, ब्रीदिंग, भूल गए आप लोग, ब्रीदिंग एंड ब्रीद आउट। एंड देन फोर्थ इज द चैंटिंग। इन चारों चीजों को इंटीग्रेट करोगे ना लाइफ में, तो धीरे धीरे अपने आप होने लगेंगी चीजें कंट्रोल में, अपने आप होने लगेंगी। क्योंकि हमने एक हायर पावर को एक्सेस करके हमने हायर पावर का सपोर्ट ले लिया। हमें पता है कि हमारी पावर से काम ज्यादा नहीं चलेगा।